वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अभी मैं यहाँ किचन में ना अपने लिए बना रही थी चाय और ऊपर धो के आई हूँ कपड़े। कल भी धोए थे, आज भी धोए हैं और मैंने वीडियो भी अपलोड कर ली है क्योंकि मैंने शेड्यूल पे तो लगाती नहीं ना वीडियो को, उसको एडिट करके ना बस अनलिस्टेड कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है ना कि वीडियो फिर कोई देख नहीं पाता जब तक उसे पब्लिक ना करूँ, तभी मुझे वो काम भी करना है। लेकिन उससे पहले मैं पीऊँगी, चाय बनाई है, चाय भी थक जाते हैं। ठीक है, कपड़े धोए, फिर नहाई और फिर, और दिवाली का टाइम है, आप दिवाली में साफ सफाइयाँ भी करनी है। ये शुक्र करो कि दीक्षा आई थी तो ये किचन की सारी सफाई मतलब ये पूरी करवा के चली गई थी। लेकिन फिर भी दिवाली से पहले एक मोटे मोटा सा थोड़ा सा और साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और भाई दूसरों की मैं इतनी बात बताऊँ कि कहीं के घर में मैंने ये चीज़ें देखी है कि उनके ना आदमी भी मतलब कि उनके साथ लग के काम करवा देते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है कि हमारे जो मास्टर जी हैं वो मेरे साथ काम करवाएंगे। आवाज़ आ रही थी एडजस्ट फैन की, एडजस्ट फैन चला रखा था। क्यों चलाया था? क्योंकि ये तला था पापड़। जो कैसी शक्ल होगी है पापड़ की। खाना तो पड़ेगा, चाय के साथ कुछ था ही नहीं खाने के लिए, तो मैंने सोचा था कि पापड़ को ऐसे फ्राई सा कर लेती हूँ, लेकिन ये बीच बीच में से जल गया। अब तो इसी से काम चलाऊंगी भाई, ठीक है। तो हम पी लेते हैं चाय और चाय पीने के बाद फिर देखते हैं, फिर वीडियो को मतलब कि अपलोड करना है, उसको पब्लिक करना है, फिर उसके बाद चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं अब अपने चैनल पे एक टैक रिलेटेड वीडियो डाला करूंगी, तो आप उसे चेक करना। आप ये चीज़ चेक करनी है कि इसके व्यूज़ तो इतने आते नहीं, लेकिन इसका टाइम वॉच कैसे बढ़ता है, ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड आगे टैक वाली सारी वीडियोज़ डालूंगी, तो आप देखना उसे। पहली वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप उसे चेक करना आज ही। तो चलो अब कंटिन्यू रखूंगी इस डेली व्लॉग को और चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर देखूंगी कि और क्या काम करना है। अभी मैं यहाँ ना सूट काट रही हूँ, तो ये इस सूट का पट्टा है जो मैं लेके देख रही थी कि कैसा लगेगा। ये रहा सूट इसका, और ये इसका दुपट्टा है, तो ये देख रही थी कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। और एक सूट ये था, सेम ही है, तो दीक्षा ने और मैंने लिया था, ये सेम है, प्रिंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, ये ऐसा। तो अभी ने काट रही हूँ। और एक और था, वो है ये कपड़ा, तो ये सेम ही है, तीनों का ही सेम है, आजकल चले ही ऐसे हुए हैं। तो ये है, और ज़्यादा मतलब कि मैंने कॉस्टली भी नहीं लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली सूट लिए, क्योंकि पता है क्या चक्कर है, अब वीडियो बनाते हैं तो इतना महंगा कपड़ा भी अच्छे अच्छे से होता भी है कि वीडियो बनाते हैं तो भाई थोड़ा सा कपड़ा ढंग का डाल लें, तो इस वजह से मैंने ये सूट ले ली। थोड़ी सी इसमें शाइनिंग है कपड़े के अंदर, और सर्दियों में तो देखो अब डाले नहीं जाएंगे, लेकिन सिलने पड़ेंगे, त्यौहार हैं, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा। इनकी सलवारें तो मैंने काट दी, अगर या तो सलवारें ना काटती फिर इनको भी ना काटती, लेकिन अब फिर जब सलम नहीं आया तो ये कपड़ा भूल जाएगा कहीं ना कहीं, तो मिसप्लेस हो गया ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इस करके इनको सीलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इनकी अभी कटिंग कर रही हूँ, कटिंग कुछ कर ली थी, कुछ रह रही है, और ये इसके नीचे की जो लोन है वो सिल्क की है, तो इसको पहले प्रॉपर कच्चा भी करना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं सिलेंगे, क्योंकि मैं इतनी ऐसे कपड़े कभी सिले नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं, और ये सिल्की होने की वजह से मुझे थोड़ा सा इनमें टाइम लगेगा, तो एक एक करके सिलूंगी। तो फिलहाल आज तो इनकी सारों की कटिंग कर रही हूँ पहले, और फिर सिलूंगी इन्हें। वहाँ है विनय स्कूल से, और इसने तब एक चीज़ दिखाती हूँ, अलमारी में से कपड़े निकालेगा ना ये तो सारा घमासान कर देगा इसके अंदर, और अभी पता नहीं कहाँ गया है। बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे कि जब स्कूल में से आते होंगे तो कपड़े या तो निकाल के रख दो तो वो डालेंगे, पर इसके तो निकाल के अगर कपड़े रख भी दूंगी ना तो इसने तब भी वो कपड़े नहीं डालने, ये अपनी मर्जी से निकालेगा, अपनी मर्जी से डालेगा। मैं बल्कि इसको कपड़े अच्छे निकाल के देती हूँ, लेकिन ये वो वाले कपड़े डालेगा जो बिल्कुल एकदम से इसके वो होंगे ना डैमेज, ये वो वाले कपड़े डालते हैं। और मैं कई बार इसे कहती हूँ कि हाँ भाई ये पुराना हो चुका है, इसे मत डाला कर, किसी को दे देंगे, लेकिन ये वही डालता है। और अब भी ना मैंने इसे ये कहा है कि कंफर्टेबल, क्योंकि ट्यूशन पे जाते हैं तो जींस की पैंट में कंफर्टेबल नहीं बैठा जाता, तो मैंने इसे कहा है कि लोअर और टी शर्ट डाल लें, तो अब ये पता नहीं क्या निकालेगा। वैसे तो क्या निकालेगा भी नहीं है, ऊपर तो डैडी के हैं कपड़े, नीचे ही हैं तेरे कपड़े, तो इतने कपड़ों में से भी इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या डालूं। अभी भी ये पता क्या कह रहा है कि मैं सोचूंगा कि मुझे क्या डालना है, जल्दी जल्दी निकाल के डाल के पासे कर। सो गाइस, अभी हम बना रहे हैं खाना, और खाने में आज हमने दोपहर को बनाई थी
की मसूरी की दाल जो मैं गरम कर रही हूँ, और साथ में बनाए थे चावल, और लेकिन अब बनाऊंगी रोटी। और खाना खाने के बाद खाना बनाने के बाद खाएंगे तो नहीं, खाऊंगी तो आके उसके बाद चलते हैं हम मंदिर में, जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में चलते हैं। तो मेरे साथ जाएगा मांटू, रितु, मैं और विनय, और उसके डैडी पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन हम तीन लोग जाएंगे पक्का। तो दर्शन करके आएंगे, आज मंगलवार है, और फिर आके खाना खा के ब्लॉग का एंड करेंगे। फिलहाल मैं रोटी बना लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। गाइस हम इधर आए हैं, और ये देखना जीरी अनाज, इन्हें कहीं भी अनाज मंडी में जगह नहीं मिली होगी ना, तो इन्होंने देखना बोरियां यहाँ लगाई हैं। देख लो किसानों का कितना बुरा हाल होता है, जगह नहीं मिलती। और हम आए हैं यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, और मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, उनकी बिगड़ेगी। तो जितना बनेगी उतनी मैं दिखाऊंगी, और ये इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से लेना हमने प्रसाद, प्रसाद लेके फिर चलेंगे अंदर। क्या लोगे? चप्पल यही उतार दें, चार बार चप्पल। चलो भाई चलो अंदर चलते हैं, चलो चलो। यहाँ हो रहा कीर्तन अंदर, और यही तक वीडियो के लिए अलाउड होएगी। हम आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके, और ये मास्टर जी यहाँ बैठे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, फिर मेरे को बताएंगे ना ऐसे नहीं ऐसे करना था, ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो अब मैं खाना बना के गई थी, मैं खा लेती हूँ खाना, और फिर देखते हैं क्या करेंगे। और विनय है नहीं, विनय कहाँ जा रहा? बाहर था, बाहर तो नहीं दिखा मेरे को, विनय बाहर गया हुआ, अंदर नहीं है, अंदर मैंने देख लिया, अंदर भी नहीं बैठा। तो खाने की भूख लग गया भाई, पहले खाना खाऊँ। फाइनली गाइज अब समय हो चुका है ब्लॉग को एंड करने को। मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए बाहर आई थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मास्टर जी भी बाहर आ गए हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर। पकड़ी गई मैं, पकड़ी गई। मैं इसी करके आस्ता आस्ता बोल रही थी कि सुने ना, मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहाँ खड़ी होके। तो चलो भाई कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।